हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे अमेजिंग ग्रेटेस्ट एक्शन मूवी के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है 2021 में, लेकिन हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी मूवीज आपने मिस्ड कर दी हों। दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में बहुत सारी मूवीज सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर इन्हें हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, द एट्थ नाइट। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक रेड आई और एक ब्लू आई से, जो कि एक दूसरे से किसी भी तरह से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके मिलने के पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों आईज अगर एक साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी। मूवी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग मिलती है 10 में 5.6। नंबर 9, फेयर स्ट्रेट पार्ट 1, 1994। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जो कि हॉरर और स्लैशर मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक सीरियल ब्लूटर किलर से, जो कि एक्चुअल में सारे टीनेजर को मारना शुरू कर देता है, और लास्ट तक इस किलर के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी मिलती है 10 में 6.3। नंबर 8, ऑक्यूपेशन रेनफॉल। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक्शन एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे सोल्जर से जो कि अर्थ को एलियन के हाथों से बचाना चाहते हैं, और लास्ट तक वो सभी अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 7, द आइस रोड। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ आइस ट्रकर से, माइंस में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ मशीन्स को ले जाते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हो जाते हैं, और लास्ट तक वो ट्रकर्स उन सभी मशीनों को लेकर माइंस तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 5.5। नंबर 6, रोनानी केन्शी द फाइनल। मूवी की स्टोरी शुरू होती है केन्शी से, जो कि एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना कर रहा होता है, और लास्ट तक केन्शी की जीत इस कंप्लीट मूवी में किस तरह होती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी की स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जो कि स्वॉर्ड एक्शन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मूवी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 5, सेंटिनल। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक सोल्जर से, लेकिन उसके बहन के ऊपर कुछ लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। वो सोल्जर लेडी अपने सिस्टर का बदला किसी भी तरह से उन एनिमीज से लेना चाहती है, और वो अपने मकसद को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 4.7। नंबर 4, टिल डेथ। मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक कपल से, जो कि एक अच्छा समय बिताने के लिए अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं, लेकिन अचानक से ही हस्बैंड अपने आप को गोली मार लेता है, और इसी बीच कुछ लोग ईमा को भी मारना चाहते हैं, और लास्ट तक ईमा उन लोगों से किस तरह सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 3, इन्फिनिट। मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाली है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे सोल्जर से जिनका बार बार जन्म होता है सिर्फ एक एक की रक्षा करने के लिए, और असल में इस एक के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 2, आई केयर अ लॉट। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, अपने पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन इस मूवी में जिस तरीके को दिखाया गया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है ऐसे वुमेन से जो कि एक्चुअल में ओल्ड वुमेन को अपने पास बुला लेती है और उनके कंप्लीट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती है, और लास्ट तक इस गेम को कितनी देर तक खेलती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी देती है 10 में 6.3। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हिट्समैन्स वाइफ बॉडीगार्ड। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मूवी की पार्ट 1 रिलीज की गई थी 2017 में, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इवन बहुत ज्यादा हिट भी रही थी। मूवी की स्टोरी आपको इस बार एक ऐसे विलन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि वायरस पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है, और लास्ट तक ये बॉडीगार्ड्स इस वायरस को किस तरह रोकते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.4। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।